नमस्कार, मेरा नाम सुदीप्त त्रिपाठी है और आप द लोकतंत्र देख रहे हैं। आज हमारे साथ बिहार प्रदेश के BJYM यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद गौरव जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो बधाई आपकी, आप बिहार में फिर से सरकार में आ गए। बधाई, इसके लिए धन्यवाद। सरकार में हम पहले भी थे, सरकार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए नहीं है। बिहार का विकास ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार का विकास ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार में मैं कई दफ़ा जा चुका हूँ और मुझे लगता है कि बिहार काफ़ी कई मायनों में पिछड़ा हुआ है। रोजगार की बेहद कमी है, आप देखते भी हैं कि मजदूरों का पलायन बहुत ज़्यादा है, दूसरे प्रदेशों में निर्भरता उनकी अधिक है। तो इस टर्म में, शुरुआती टर्म में आप नीतीश जी के साथ थे, बीच में आपका गठबंधन टूटा, वो RJD के साथ चले गए, फिर से आपके साथ आ गए। इस टर्म में रोजगार को लेके क्या कुछ आगे होगा? अभी जैसे कि जैसे ही सरकार बनी है, सरकार बनने के तुरंत बाद मुझे लगता है पहली कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें 46,000 लगभग शिक्षकों की और प्रधान शिक्षकों की, प्रधान अध्यापकों की एक साथ वैकेंसी निकाली है सरकार ने। अभी आने वाले समय में पुलिस की भर्ती निकलने वाली है, हेल्थ सेक्टर में भर्तियां निकलने वाली है। अगले पूरे मतलब इस सरकार के जो कार्यकाल बचे हैं, इसमें विशेष फोकस रोजगार पर सरकार का रहने वाला है। और हम लोगों का युवाओं के साथ बार बार एक बात का कनेक्शन रहता है कि सरकारी रोजगार तो एक व्यवस्था है जिसको करना है, चलाना ही है, लेकिन युवा खुद से आत्मनिर्भर बने, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है उसका मोदी का गारंटी का जो पूरा स्कीम हम लोग लेकर के आजकल चल रहे हैं, आप लोग आजकल सुन भी रहे होंगे उसको, उसमें हम लोग ने युवाओं को ये प्रोत्साहन करने का प्रयास किया है कि आप स्किल्ड बनिए, अपने से रोजगार उत्पन्न करने का प्रयास करना है, उसके लिए जो अपॉर्चुनिटी देनी होगी हम देंगे, जो आपको ऑब्स्टिकल आएंगे उसको हम लोग ख़त्म करेंगे, बाधाओं को तोड़ेंगे, और आपको क्रिएटिव बन करके, अभी आज ही के दिन मोदी जी ने जो है क्रिएटिव्स यूट्यूबर्स के साथ एक बड़ा सा सम्मेलन किया है। हाँ, लेकिन लेकिन इस ये जो सम्मेलन है, विपक्ष तो कह रहा है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गया और आप कहीं ना कहीं उन क्रिएटर्स का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में करेंगे, ये आरोप है। आपने आज अगर वो देखा होगा तो मोदी जी ने कहीं उनको ये नहीं कहा कि आप मेरा कैंपेन करिए, उनको प्रोत्साहन किया ताकि वो और क्रिएटिव कुछ कर पाए, ठीक है। और एक बात मैं आपको कहूँ, विपक्ष हमें कहता भी है कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता 24 घंटे जो इलेक्शन मोड में रहता है, और हम 24 घंटे 365 डेज इलेक्शन लड़ते हैं, इसलिए हमें कोई स्पेशली इलेक्शन के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, मतलब विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं, नहीं है। हमारे नेचुरल फेनोमिना में है, हमारा चलता रहता है ये पूरा, हमारा पूरा संगठन का ढांचा नीचे तक कितना मजबूत है आप जानते हैं, संगठन का नीचे स्ट्रक्चर, हमारे कार्यकर्ता ऑल डेज ऑल अराउंड 365 डेज हम जनता के बीच में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो विपक्ष ये कहेगा कि उनके अब पुराने ट्रेडिशन को बदलना पड़ेगा। विपक्ष के लोग चुनाव आते थे तो 6 महीने पहले जाग जाते थे, हम लोग 6 महीने पहले थोड़े जागते हैं, भाजपा का नेचर है ये। आप अभी बोल रहे थे कि बहुत सारी वैकेंसीज निकाली जा रही है और विशेषकर मोदी जी कहते भी रहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, ये वैकेंसी का जो मामला है, आपने कहा पुलिस वैकेंसीज आएगी, हेल्थ सेक्टर में आएगा, तमाम सेक्टर्स, शिक्षकों के लिए आएगा रोजगार, तो ये कहीं तेजस्वी यादव का देखा देखी तो पहल नहीं हो रहा है? क्योंकि उन्होंने अभी जब वो सरकार में थे नीतीश कुमार के साथ, तो उन्होंने काफ़ी वैकेंसीज निकाली और वहाँ के यूथ तेजस्वी से बहुत प्रभावित है, और उनकी भी वो जो जनविश्वास रैली निकाल रहे हैं उसमें यूथ की भीड़ भी दिख रही है। देखिए, इसमें दो अंतर है। पहला अंतर ये है कि तेजस्वी यादव अपने पुराने जंगल राज की छवि को जो है वो ओवरलुक करना चाहते हैं, ओवररेट करना चाहते हैं, उसको दबाना चाहते हैं। दूसरा ये है कि हम सभी जो है इसको तेजस्वी का क्यों हम लोग अनुसरण करें, क्योंकि वो खुद एक तो पढ़े लिखे कम है, रोजगार के विषय में आप लोग आरोप भी लगाते हैं 9वीं पास है, 9वीं पास नहीं है, 9वीं तक से पहले ही अब पता नहीं कहाँ तक पढ़े हैं, क्योंकि 9वीं तक, 8वीं तक की डिग्री तो खुद कहते हैं मेरे पास है, मोदी जी की भी डिग्री पे सवाल उठते हैं। मोदी जी ने डिग्री दिखाई है, वो भी दिखा दें डिग्री अपनी 12th की। मोदी जी की अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने डिग्री दी, हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में, वो भी दिखा दें। तो अब उनकी डिग्री पे अगर उनकी डिग्री फेक है तो उनकी डिग्री का जवाब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी देगी, मोदी जी तो देंगे नहीं, और वो दिखा दें किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री अपनी। नीतीश कुमार जी के साथ अब तालमेल बन पा रहा है कि नहीं, कि आगे, अभी देखिए खबरों में ये भी है कि वो दोबारा छोड़ के जा सकते हैं। देखिए, ये मीडिया की TRP है, ठीक है, और नीतीश कुमार जी, देखिए क्या होता है कई बार पॉलिटिक्स के अंदर, आपको क्या होता है, कुछ एक किचन कैबिनेट होती है हर व्यक्ति की,
पार्टी की भी अपनी किचन कैबिनेट होती है। तो कई बार व्यक्ति नीतीश कुमार कभी नहीं चाहते थे कि भाजपा से वो लोग हों, लेकिन कई बार उनके इर्द गिर्द कुछ लोग होते हैं ना, जिनको आप कभी कहते हैं कि उनकी राय मशवरा कभी आपके लिए अच्छा भी होता है, कभी आपके लिए घातक भी होता है। तो कई बार इंसान का मूड भी कभी कुछ और बातों के लिए बदलता है, तो उनके भी सुझाव पे उन्होंने विचार किया और कुछ काम किया होगा। लेकिन आज के रेट में नीतीश कुमार जी ने अभी लेटेस्ट प्रधानमंत्री जी के साथ एक रैली में थे, उन्होंने कहा है कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा। ऐसा उन्होंने पहले भी कहा है, लेकिन फिर भी चले गए थे। लेकिन क्या है कि अब वो भी बात को समझ गए हैं, क्योंकि इंसान एक बार धोखा खाता है, दो बार धोखा खाता है तो समझ जाता है। सुई को तलवार आप लोग बना लेते हैं। अभी जनविश्वास रैली जब हो रही थी पटना में, सारे विपक्षी दल जुटे हुए थे, तो लालू जी ने कहा कि मोदी जी का परिवार कहाँ है, आपने मोदी का परिवार पूरा कैंपेन बना दिया। क्या सेंटिमेंटल कनेक्ट करने की कोशिश हो रही है जनता को? नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरा विश्व एक परिवार है। मोदी जी ने जब G20 कराया तो उसका नारा था, वो उसके जो थीम लोगो दिया उसका वसुधैव कुटुंबकम का नाम दिया। तो हमारे लिए सिर्फ भारत ही परिवार नहीं है, पूरा विश्व एक परिवार है। और मोदी जी एक प्रचारक रहे हैं, मैं भी प्रचारक रहा हूँ, इसलिए हम पहले दिनों से इस बात को समझते हैं, क्योंकि प्रचारक जब अपने पूरे देश को अपना परिवार मानेगा तभी वो अपना घर छोड़ पाएगा। मैं 10 वर्ष अपने घर छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके, देश के विभिन्न हिस्सों में मैंने भी संघ का काम किया है, विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री रहा हूँ, और मोदी जी तो लंबे समय तक किए हैं, आज भी करते आ रहे हैं, वो अभी तक तो प्रचारक ही हैं। तो मोदी जी का और हम जो भी प्रचारक रहने वाला व्यक्ति है, उस सब का सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि उसको पूरा विश्व को अपना परिवार मानना पड़ेगा, तभी वो अपना घर छोड़ पाएगा, नहीं तो छोड़ नहीं पाएगा। लोकसभा चुनाव सर पे है, बिहार में कहा जाता है कि भाजपा का कैडर मजबूत नहीं है, इसलिए बार बार समझौते करने पड़ते हैं, अकेले एक बड़ी पार्टी के तौर पे पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बन पाती है। ठीक है, लोकसभा चुनाव को लेके विशेष तैयारी क्या चल रही है, विशेषकर बिहार को लेके? देखिए, भाजपा का कैडर नहीं है ऐसी बात नहीं है, भाजपा का कैडर देश के हर कोने में, पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट रखना चाहिए अपने मन में। दूसरा कि हम क्यों गठबंधन किए हैं, उसका एक रीज़न ये है कि आप जानते हैं कि बिहार थोड़ा और स्टेट से अलग है, और राज्यों से उसकी राजनीतिक परिदृश्य अलग है, और वहाँ के राजनीतिक समझ लोगों की और देशों के राज्यों के अलावा अलग है। दूसरा, वहाँ कई प्रकार की राजनीतिक समीकरण चलते हैं, इसलिए क्या है कि चुनाव में अल्टीमेटली हम लोगों को जीतना है, तो चुनाव जीतने के लिए आपको उन समीकरण को साथ लेके चलना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग वहाँ गठबंधन कर रहे हैं। और बिहार के ऐसा नहीं है, स्ट्रक्चर हमारा बहुत अच्छा है, संगठन में मैं खुद प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा का, वहाँ हम लोगों का हर मंडल शक्ति केंद्र यानी बूथ तक हमारी कमिटीज बनी हुई है, हमने जो है हर गाँव तक हमारे पन्ना प्रमुख बने हुए हैं, ऐसा नहीं है हमारा संगठन का स्ट्रक्चर कमजोर है, बस ये है कि राजनीति समीकरण कई चीज होते हैं जिसको बैलेंस करना पड़ता है, इस नाते से गठबंधन करना पड़ता है, ये है रीजन। औद्योगिकीकरण बिहार में नहीं है, और पहले मतलब जब टर्म इस टर्म के पहले जब नीतीश कुमार थे तो लगातार वो कहते रहे थे कि बिहार लैंडलॉक राज्य है जिसकी वजह से यहाँ औद्योगिकीकरण संभव नहीं है, और शायद यही वजह है कि यहाँ के मजदूर, यहाँ के लोग पलायन करते हैं। ठीक है, इसको लेके कोई ठोस प्रयास कि राज्य में औद्योगिक सेटअप लगे, लोगों को रोजगार मिले, ठीक है, आत्मनिर्भर बनाने की बात तो अलग है, लेकिन सरकार के तौर पे क्या प्रयास चल रहे हैं? अब आप सरकार में तो आपकी जवाबदेही बनती है। आपको पिछले इस सरकार में नीतीश जी जो गए थे अभी तेजस्वी के साथ, उसके जस्ट पहले जो सरकार में हम लोग के साथ वो थे, एक बार जाने के बाद वापस जब आए थे 2019-20 में, तो उस समय औद्योगिक मंत्री थे हमारे शाहनवाज जी। आपने देखा होगा कि बहुत हद तक हमने प्रयास शुरू किया, कई बड़े ऐसे इंडस्ट्रीज के लोगों से बातचीत भी हुई, और एक इन्वेस्टर समिट भी छोटा सा दिल्ली में भी, मुंबई में, कई जगह करने का प्रयास हुआ, और वहाँ भी कुछ काम हम लोगों ने शुरू किया, हमने पहल शुरू की ही थी। और जिस दिन सरकार हमारी गिरी, वहाँ अलग हुए, टूटे हम लोग, उस दिन भी नीतीश मतलब एक बड़े इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग करके शाहनवाज जी दिल्ली से आ रहे थे, और संजोग से उसी समय वो सरकार जाती है। तो हमारा फोकस उस पर है। औद्योग बिहार में नहीं थे, थोड़ा अगर इतिहास में जाएंगे तो 90 से पहले जाएंगे
तो मेरे खुद के गांव के बगल में एक सीमेंट की फैक्ट्री थी। बिहार के हर हिस्से में चीनी मिल था। हाँ, चीनी मिल तो था। सारे चीनी मिल को इस जंगल राज की सरकार ने बर्बाद किया। मॉर्टिन एक चॉकलेट आया करती थी, मढ़ौरा से बन के निकलती थी, आप भी जानते हैं उसके बारे में। बहुत सारे ऐसे सूत के उद्योग, आप कहेंगे तो पूरा सिल्क इंडस्ट्री ही पूरा था एक तरह से भागलपुर में, हम लोग देखे थे। तो उद्योगों का सेंटर रहा है बिहार, ठीक है, और उसको फिर से हम लोगों को रीजनरेट करने की आवश्यकता है। तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य बिहार का ये रहा है, जिसको मूल समझना पड़ेगा, कि बिहार में पिछले 30 वर्षों से जब केंद्र में जिसकी सरकार रही है, बिहार में उसकी सरकार नहीं रही है, और बिहार में जिसकी सरकार रही है उसकी केंद्र में सरकार नहीं रही है, और बीच बीच में हमारी सरकार आई भी, अगर अभी जो पिछले कुछ फेनोमिना में, तो टुकड़ों में आई, वो कभी आई कभी गई, कभी आई कभी गई। तो ऐसे वाली स्थिति में क्या वो स्टेबिलिटी नहीं बन पाई और वो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है? नहीं तो उद्योग तो बिहार में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। इनफैक्ट मैं कहूँ आपको, तो बिहार के ही बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो दूसरे दूसरे जगह उद्योग लगा रहे हैं। उनको ही सिर्फ हम बुला करके अगर बिहार में उद्योग खड़ा कर लें, और कुछ अपने ये जो लोकल एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, लाइक चीनी मिल है, ठीक है, उसके अलावा जो कुछ ऐसे फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री हैं। अब बिहार का मखाना प्रोसेस्ड होने के लिए बंगाल जाता है, क्या हम उस मखाने का प्रोसेसिंग सरकार के द्वारा यहाँ नहीं कर सकते बिहार? बिल्कुल करवा सकते हैं। तो हम लोग अब उस पर काम कर रहे हैं, मतलब काम हो रहा है। अब हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। शराबबंदी नीतीश जी का फ्लैगशिप एक योजना है, उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन इसके कई सारे खामियाजा भी है, खामियाजा भुगत रही है जनता, क्योंकि अगर सरकार शराबबंदी न करे तो जो जहरीली शराब का इश्यूज है वो ना आए, लोग मर रहे हैं, पी के मर रहे हैं। तो क्या इस बार ऐसा कुछ आप लोग बातचीत करेंगे, नीतीश जी पे दबाव पड़ेगा कि वो इस फैसले से पीछे हट जाए और शराबबंदी को हटा दे? ये जो हो रहा था, मैं इसको, क्योंकि परिवारें तो खत्म हो रही है, इसमें पूरी जिम्मेदारी के साथ डायरेक्ट ब्लेम करने की बात करूंगा इसमें। तो ये पिछले गठबंधन की सरकार, महागठबंधन की सरकार थी, उसमें तेजस्वी के जो इर्द गिर्द रहने वाले बड़े माफिया थे, लगातार हमारे अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी कहते थे कि ये शराब माफियाओं की सरकार है, ये बालू माफियाओं की सरकार है, ये गुंडागर्दी करने वाले माफियाओं की सरकार है। इस शराब माफिया का पूरा नेक्सस जो है वो राजद से जुड़ा हुआ है। मैं कहा ना, मैं डायरेक्ट ब्लेम करूंगा इसमें, क्योंकि वो सच है और उसके प्रमाण है, बहुत पूरा नेटवर्क उनका जो है इस काम में, क्योंकि वो उनके पास और कोई सोर्स नहीं है राजनीति करने का। आप उनके आप पूछें कितने MBA हैं, कितने उनके पास विधायक जो हैं पूछेंगे उनके पास, तो आपको ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट मिल जाएंगे। कितने लोगों के खिलाफ ED की रेड चल रही है, सारे क्रिमिनल्स जिनके यही सब गोरख धंधे हैं, तो निश्चित तौर पे उसको हम लोग रोकने का काम करेंगे। अभी सरकार ने, हमारे सम्राट जी, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले समय में सबका हिसाब करेंगे जिन लोगों ने गलत काम किया है, मतलब एक एक करके। ED CBI रेट नहीं, ED CBI की बात नहीं है, ED CBI स्वतंत्र रूप से अपना काम कर रही है। देखिए, यही दुर्भाग्य है कि हम लोग कई बार क्या होता है कि प्रतिबिंब को ही सच्चाई मान लेते हैं, वो वाली एक कहावत है ना, जो ED CBI जब जब उपयोग करते थे लोग तो करते थे, आज ED CBI को खुला छोड़ दिया, मतलब आपका कहना दबाव नहीं है, स्वतंत्र रूप से जो भी कार्रवाई हो रही है स्वच्छ रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई नहीं कर रही क्या ED? अभी लेटेस्ट ही भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर में छापा पड़ा है ना, उनके घर से 30 करोड़ रुपए बरामद करके ले गई है ना। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई, जो गलत काम करेगा, सरकार निष्पक्ष रूप से काम करे, जीरो टॉलरेंस की नीति है प्रधानमंत्री मोदी जी की। सीटों के प्रोजेक्शन की बात कर लेते हैं, इस बार बिहार की लोकसभा सीटें हैं 40, उसमें कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगी, NDA के खाते में आएंगी? केंद्रीय नेतृत्व इसका फैसला करता है, दूसरा इसका हम लोगों को इसके विषय में नहीं, वो मतलब बंटवारों की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कितनी जीतने की संभावना है। हम 40 सीटें जीतेंगे, 40 पूरा पूरा कम्प्लीट। आप पहले भी देख चुके हैं कि हम 40 में से 39 जीते हैं, एक सीट गड़बड़ाई थी थोड़ी, इस बार वो भी नहीं, वो भी नहीं गड़बड़ाएगी, क्योंकि वो खुद भी बहुत अच्छे नेता थे, आप सब उनको जानते हैं, रघुवर प्रसाद सिंह जी उनका नाम था, तो उस समय थोड़ा वहाँ जो है उनको सम्मान भी, हम लोग भी करते हैं सम्मान, क्योंकि ग्रामीण विकास में उनका बहुत ज़्यादा काम रहा है, तो जनता तो क्या हमको पूछती ही है, तो निश्चित तौर पर उनको उस समय समर्थन दिया था। लेकिन इस बार हम लोग 40 की 40 सीटें जीतेंगे, इसमें हम लोग कहीं कोई शंका नहीं, कोई दो राय नहीं है, बहुत मजबूत हैं हम लोग इस समय। महागठबंधन टूट के कगार पे है, कुछ है नहीं, इंडिया गठबंधन तो अब कहीं रहा ही नहीं, बस उनका ढकोसलाबाजी चल रहा है, जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी जा रहे हैं वहाँ वहाँ टूटता जा रहा है, आगे बढ़ेंगे और टूटेगा।
तो चुनाव नजदीक आने दीजिए। मतलब आपका कहना है कि जित सीट विपक्ष पूरी तरह बिखर चुका है, ये जो जुड़ाव दिख रहा है वो ऊपरी तौर पे है और ये जुड़ाव भी नहीं है, नेचुरल नहीं है, नेचुरल नहीं है ये। एक दूसरे के सामने आप लड़ते हैं, अभी पीछे जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उस पिछले विधानसभा चुनाव में ये सभी एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं और लोकसभा चुनाव में आप साथ मतलब ये स्वार्थ के समझौते हैं एक तरह से। देखिए सारे चोर जो हैं उनको ये लग रहा है कि हम इसके खिलाफ मिल करके और इस एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हरा देंगे। अब वो उन खुलाए उनकी जो है मुंगेरी लाल के सपने और ख्याली पुलाव है, पकाने दीजिए, हमें काठ की हांडी है, एक बार चढ़ाने का प्रयास करते हैं जल जाती है, फिर चढ़ाने का प्रयास करते हैं फिर जल जाएगी, वो ऐसे ही करते रहेंगे, उनका कोई वो नहीं है। देखिए क्या है ना, बेसिक बात को समझिए, बेसिक ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ते हैं ये लोग अपने को बचाने के लिए लड़ते हैं। हम बचे रहें, हम जुड़ जाएंगे तो हम बचे रहेंगे, इसलिए ये एकत्रित होते हैं। केजरीवाल अपने बच्चे की कसम खाते हैं, अब बेटे से बड़ा तो हमको नहीं लगता किसी माँ बाप को कोई नहीं होता है। फिर जाके समझौता कर, क्या समझौता करते हैं, अभी 4 और 3 मिला के लड़ रहे हैं और कल रैली करके कह रहे थे कि जो है हम 7 लोगों को हमें मजबूत कर, प्रचार भी शुरू कर दिया, प्रचार भी शुरू कर दिया। तो अब जिस हमारे सामाजिक जीवन में जिसका जिसके बातों का महत्व ना हो, जनता को आप कहीं स्टाम्प पर लिख के तो कुछ देते नहीं है, आपकी बातों पर जनता भरोसा करती है, तो आपकी बातों का कोई महत्व नहीं है। आप आज कहते कुछ और हैं, कल करते कुछ और हैं, फिर कल कुछ और कहेंगे, परसों कुछ और कहेंगे, गिरगिट से भी ज़्यादा तो आप रंग बदलते हैं। तो इसलिए इस इंडी गठबंधन का कोई ना तो भविष्य है, ना ओर है, ना छोर है, कुछ नहीं है इसका। हम लोग के यहाँ बिहार में कहावत है कि बापे पुत परापत घोड़ा नहीं हो, कुछ तो थोड़म थोड़ा वाला कहानी है इसका। तो वैसे ही कुछ चलता रहता है लोगों का, ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ तो कुछ चलना चाहिए थोड़ा। चलिए आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, आपने समय दिया कीमती अपना, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ आनंद गौरव जी थे जो बिहार प्रदेश में BJYM के उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आप देख रहे थे द लोकतंत्र, मैं सुदीप्त त्रिपाठी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।